हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने एक नया पार्सल रिसीव किया है, फ़हीम मियाँ टेरेस स्पेशल टॉप क्वालिटी C28 डोर। और ये रिव्यू सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये डोर मुझे एक बार ट्राई करनी थी और इस डोर के लिए कोई ऑलरेडी रिव्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि किसी और बंदे को अगर ये डोर ख़रीदनी होगी तो उसके लिए एक रेफरेंस होना चाहिए फ्यूचर के लिए। और ये ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था तो ये स्टेटस है, देखो अखबार वगैरह रैप करके एक सिंगल रैपिंग में ये आई है चरखी। बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर के साथ तो नहीं आई है, बट ठीक है, मीडियम लेवल ऑफ पैकिंग है और चरखी का वज़न अच्छा फील हो रहा है, तो हो सकता है कि डोर इसमें पूरी हो। और देखिए दोस्तों, मैं ये अनरैपिंग कर रहा हूँ और इस पॉइंट पे आकर के थोड़ी सी डोर में से खुशबू आने लग गई थी, जो कि एक फील गुड फैक्टर है। ये जब मैंने यहाँ से ये रैपर खोला था उसके बाद से डोर में खुशबू आने लग गई थी थोड़ी, तो ये एक अच्छी बात है इस डोर के बारे में। और ये है इसका फर्स्ट लुक, सो ग्रीन कलर की ये डोर है, पैरेट ग्रीन कलर की। चरखी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है दोस्तों, चरखी मुझे नहीं लगता ये कोई ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, और इनफैक्ट मुझे इसको हाथ में होल्ड करने में भी थोड़ा डर लग रहा है। और इस डोर को मैं दूसरी चरखी के थ्रू यूज़ करने वाला हूँ। अगर हम डोर की बात करें तो ये डोर का जो थिकनेस है वो 1-3 के कंपेरेबल है, 1-3 की जो डोर होती है उससे थोड़ा सा मोटा है। ये मेरे पास सद्दे के ऊपर ये 1-3 की डोर लगी हुई है अदनान अली की, और ये कोई टॉप ब्लॉक नहीं है, ये नॉर्मल ब्रांड से लिया हुआ है अदनान अली के। और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट सेम फील हो रही है हाथों में रखने से। और मैंने इन दोनों को गठान लगा के इनका स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया था, तो C28 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1-3 के मुकाबले। इसमें मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो वाइट सद्दी है और जहाँ से सूती हुई डोर है वहाँ की थिकनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो या तो ये एक या दो बार की सुताई है इस मंजे पे, या फिर इसको सुताई को इतना अच्छे से किया है बार बार हाथ फेर के कि ये ज़्यादा थिकनेस में डिफरेंस नहीं आ पाया, तो ये पतली डोर है और कांच मीडियम लेवल के फील हो रहे हैं और मीडियम लेवल की चिकनाई फील हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये ऑलराउंडर मंजा है और टेरेस के फाइटिंग के लिए हो सकता है ठीक हो। मैंने ट्राई नहीं किया पर एडवर्टाइजिंग तो टेरेस स्पेशलिस्ट की बता रखी है। अगर आपको इसमें डिटेल रिव्यू चाहिए ट्रायल के बाद तो आप कमेंट करके बताएं, मैं वो भी कर दूंगा, बट कोई मतलब नहीं बनता, पहले आपका पेज लड़ाने का तरीका आता है उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती है। और आप किसी भी मंजे से नॉर्मली अच्छे से पतंग काट सकते हो, ये जो 1-3 का मंजा जो है उससे भी मैं काफ़ी पतंगे काटता हूँ, तो अगर आपका तरीका सही है तो आप पतंगों को बहुत अच्छे से काट सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।